राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में 1996 से साथ हैं। हमारे मित्र और माननीय मंत्री रविशंकर प्रसाद जी जानते हैं, लेकिन 1996 से जब आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी और आदरणीय लालकृष्ण आडवाणी जी भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करते थे, उस समय से हम लोग हैं। बीच का 3-4 साल हम लोग नहीं रहे, लेकिन लगातार उसके बाद से हैं। और माननीय मंत्री जी जानते हैं इस बात को कि हम लोग 1996 से कंसिस्टेंट है इस बात के लिए कि किसी भी विवादास्पद मुद्दे के साथ हम लोग राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में नहीं है। नेशनल एजेंडा ऑफ गवर्नेंस बना आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम, उसमें भी 3 बात लिखी हुई है, आज भी वो रिकॉर्ड है। उसमें लिखा हुआ है कि विवादास्पद मुद्दे जो होंगे, धारा 370 के साथ छेड़छाड़ नहीं होगा। अयोध्या मामले के विवाद का समाधान या तो कोर्ट से होगा या आपसी सहमति से होगा। कॉमन सिविल कोड में कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। ये सब कुछ लिखा हुआ उसमें, और उस समय से हम लोग साथ हैं। लेकिन आज इसलिए इस बिल का हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड समर्थन नहीं करती है, क्योंकि यह हमारा मानना है, हम लोगों का मानना है, हमारी पार्टी का मानना है, यह एक समाज के मन में अविश्वास पैदा करेगा, एक समाज के मन में एक खास तरह की भावना पैदा करेगा। इसलिए हम इस बिल का समर्थन नहीं करते हैं। महोदय, कोई भी यह व्यक्ति नहीं चाहता है कि पति पत्नी का रिश्ता खराब हो, किसी के मन में यह भावना नहीं आती। लेकिन जो पति पत्नी का रिश्ता होता है वो आपसी सहमति से होता है, आपसी विश्वास के साथ पति पत्नी का रिश्ता होता है। आप किसी कानून को बनाकर पति पत्नी के रिश्ते को तय नहीं कर सकते। किसी के मन में ये भावना नहीं होती है कि ये प्रेम, आपसी प्रेम खत्म हो जाए, पति पत्नी के बीच में संबंध विच्छेद हो जाए। लेकिन कानून से आप इसको रोकने का अगर प्रयास करते हैं तो एक खास समुदाय के लोगों के मन में अविश्वास पैदा होता है। हाँ, आवश्यक है, यह जरूरी है, तलाक को कोई भी पसंद नहीं करेगा, पति पत्नी के रिश्ते को खराब हो इसको कोई पसंद नहीं करेगा। लेकिन आप कानून बनाने के बजाय उस समुदाय को यह फैसला करने दीजिए, और उसमें जागृति पैदा करने के लिए, जन जागृति पैदा करने के लिए सरकार को जितना भी प्रयास कर सकती है सरकार को उसमें प्रयास करना चाहिए। उसमें जन जागृति पैदा कीजिए। जब सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चल रहा था, माननीय मंत्री जी अवगत हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी सुप्रीम कोर्ट को आश्वस्त किया था कि इस समाज में मुस्लिम समाज के बीच जागृति पैदा करने में हम सहयोग करेंगे। सरकार को चलिए ना, आप बैठिए ना, आपको मालूम है, जल्दी बन जाइएगा, बहुत आराम, हल्ला मत कीजिएगा, सुनिए, चुपचाप सुनिए, वकील है, मालूम है, हम लोग बहुत लंबी लड़ाई लड़े हैं, आप उस समय कहीं और घूमते थे, चलिए। तो इसलिए आज आवश्यकता इस बात की थी कि उस समुदाय के प्रमुख लोगों को लेकर आप उस समाज में जागृति पैदा करते, उस समाज को इस बात के लिए सहमत कराते कि आप ये कर सकते। बहुत काम कर रहे हैं आप, स्वच्छता अभियान चला रहे हैं इस देश में, स्वच्छता अभियान चला रहे हैं। कहने की स्वच्छता अभियान को आप कानून बना के रोक देते हैं कि कोई आदमी अगर अपने घर से कूड़ा फेंकेगा तो उसको 5 साल पकड़ के अंदर बंद कर देंगे। भाई, आप जागृति चला रहे हैं, समाज में आप अवेयरनेस चला रहे हैं कि समाज में घर के आगे कूड़ा मत फेंको, सड़क को गंदा मत करो। तो ये जागृति पैदा करने के लिए उसी तरह ये समाज, कई लोग कहे बातें आई कि संविधान की बात सब कुछ है, लेकिन यह समाज सिर्फ संविधान से नहीं चलता है, यह समाज रीति रिवाज से भी चलता है, परंपरा से भी चलता है। और उस समुदाय में एक परंपरा है, उस परंपरा को खत्म करने के लिए कोई आपको ऐतिहासिक कदम उठाना पड़ेगा। तो इसलिए आज हम ये बात कहना चाहते हैं। अब आपने कानून बनाया, बहुत अच्छी बात है, तलाक को अभी बताते हैं ना,
अरे अभी 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 सुनिए ना, अभी आगे भी सुनिए ना, अभी कानून। ओहो राजकुमार बाबू, आप बड़े कड़े पदाधिकारी रहे हैं, अभी आपको बताएंगे कि कड़े पदाधिकारी के रूप में भी आपका अनुभव क्या रहा है। तो इसलिए 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 सभापति महोदय, हम ये कहना चाहते हैं कि आज इस बात की जरूरत है कि आप फरवरी में कोई कानून नहीं बना, फरवरी में इसको बनाने की कोई जरूरत नहीं है, आप जागृति पैदा करिए और जन जागृति पैदा करके इस कानून को आगे बढ़ाने का काम कीजिए। आपने आपने कह दिया कि ठीक है भाई, तीन तलाक एक मिनट के लिए हम मान ले, राजकुमार बाबू कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक को खत्म कर दिया, बहुत अच्छी बात है खत्म कर दिया, अब कोई तीन तलाक कहने वाला जेल चला गया, अब वो कहने वाला जो है उस पर जब FIR हो गया वो कह रहा कि मैंने तो कहा नहीं था, मैंने तो तीन तलाक कभी कहा नहीं था, ये कौन साबित करेगा? भाई आपने इस देश में कानून बनाया है, आपने एंटी डॉरी एक्ट बनाया है, आपने 498 बनाया है। राजकुमार बाबू अभी बोल रहे हैं बहुत कड़क प्रशासनिक पदाधिकारी रहे हैं वहां, और उनके बगल में एक पुलिस पदाधिकारी भी रहे हुए हैं, आपने कानून तो बना दिया है, उसका मिसयूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है देश में, कितने लोग मिसयूज कर रहे हैं? तो इसलिए ये कानून आप इस तरह से बनाइएगा, इसका मिसयूज होगा, इसका मिसयूज होगा। गिरिराज बाबू आपका एजेंडा है वो हमको मालूम है कि आपका क्या एजेंडा है, आप परमानेंट उस पर चलते रहते हैं, तो इसलिए चलिए, लेकिन इसलिए हम आपको कह रहे हैं इस तरह का काम मत कीजिए। धारा जो आपके जो बिल है उसका सेक्शन 4 तो किसी भी तरह जनहित में नहीं है, इसलिए आज हम आपसे यह आग्रह करेंगे कि इस तरह का काम नहीं करिए। आपको मैंडेट मिला है, बहुत काम करना है, काम करिए ना, ये सब काम तो बाद में करते रहिएगा, जब चुनाव नजदीक आएगा तब होना चाहिए, अभी क्या जरूरत है, अभी बाकी जो काम है उस काम को करिए। और इसलिए हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि हम आपको सभापति महोदय कहना चाहेंगे कि इस बिल का समर्थन जनता दल यूनाइटेड नहीं करती है, हम इसका बहिष्कार करते हैं और न इसके हम भागीदार होंगे और न हम इसका समर्थन करेंगे, इसलिए हम सदन का बहिष्कार करते हैं। बहुत बहुत